पालनहारो तू। हाय स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 1 चित्रपदानी 1। तो आज हम चित्रपदानी 1 में संस्कृत में प्रोनाउन का अभ्यास करेंगे, यानी कि सर्वनाम का अभ्यास करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए संस्कृत में कौन कौन से सर्वनाम ये यह और वह के लिए। तो यहाँ पे चित्रपदानी 1 के इस चैप्टर में हम इसका अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सर्वनाम है वो है एषः, यानी कि यह, और सः मीन्स वह, एषः मीन्स दिस, और सः यानी कि ये जो शब्द दोनों सर्वनाम है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर और मस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग वाचक शब्दों के साथ इनका उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे सुकह यानी कि पैरोट, तो ये पुल्लिंग वाचक है। मयूर तो ये भी क्या है, मस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के लिए यह कहना हो तो एसह सर्वनाम का उपयोग होता है, और सह यानी कि वह तो उसके लिए सह का उपयोग होता है। एसह मीन्स दिस और सह मीन्स दैट पुल्लिंग के लिए, और आप दैट के जगह पे ही भी कह सकते हो। जैसे इंग्लिश में हम थर्ड पर्सन अगर कोई मस्कुलिन है तो उसके लिए क्या कहते हैं, ही इज, ओके। तो यहाँ पे ही का भी आप यूज कर सकते हो, दैट या ही। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं। एषः सुकः यानी यह तोता है, यानी दिस इज पैरोट। तो आपको ऐसा होगा, सर यहाँ पे है तो नहीं, अस्थि तो लिखा नहीं है, तो हम क्यों यहाँ पे है की जगह पे इज लगाते हैं जब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो संस्कृत में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अस्थि हर बार आएगा ही, लेकिन आप उसका खुद ही उपयोग कर सकते हो कि दिस अ पैरोट, तो इसका ट्रांसलेशन इतना ही होगा, दिस अ पैरोट। लेकिन यहाँ पे अस्थि हमें समझ लेना है कि यह तोता है, यानी दिस इज पैरोट। तो वैसे यहीं पे ऐसा होगा, सह मयूर मीन्स दैट इज अ पीकॉक। या फिर आप दूसरा जो सर्वनाम है इंग्लिश का ही, तो ही इज अ पीकॉक। तो आप यहाँ पे समझ गए होगे कि एसह यह यानी कि दिस, और सह वह यानी कि दैट या ही। तो आप सिंगुलर एक वचन मस्कुलिन नाउन के लिए इनका उपयोग कर सकते हो। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। एषः श्वानः, श्वानः मीन्स डॉग, तो दिस अ डॉग। या फिर यहाँ पे यह कुत्ता है लगाएंगे तो हम बीच में इज लग सकते हैं, दिस इज अ डॉग। सह सिंह मीन्स दैट अ लायन। यह सिंह है लगाए तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ लायन। यहाँ पे सह के जगह पे मैंने पहले भी बोला कि ये मस्कुलाइन है, यानी कि मस्कुलिन है, यानी कि पुल्लिंग वाचक है, तो यहाँ पे आप ही भी लगा सकती है, ही इज अ लायन, ओके। आगे देखते हैं, एषः गजः यानी यह हाथी है, तो क्या होगा, दिस एन एलिफेंट, दिस एन एलिफेंट या दिस इज एन एलिफेंट। सह अश्वः मीन्स हॉर्स, तो क्या होगा यहाँ पे, तो दैट इज हॉर्स, या दैट के जगह पे यहाँ पे पुल्लिंग वाचक अश्व है, तो क्या होगा, ही, तो ही इज अ हॉर्स, दैट इज अ हॉर्स या ही इज अ हॉर्स। तो आपको ऐसे ही सेंटेंस दिए होगे तो आपको दूसरे ऐसे मस्कुलिन शब्दों का यूज करके आपको ऐसा या सह के साथ दूसरे अगर कोई वर्ड दे दिए जाए, मान लो कि कंदुक है, वृक्ष है, तो आप उसका भी यूज करके ये सर्वनाम से उनका आप सेंटेंस बना सकते हैं संस्कृत, और उसके आधार पे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो अब हम आगे फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग शब्द के सर्वनाम देखेंगे। तो यहाँ पे दो सर्वनाम है, एसा और सा। एसा यानी दिस, जो
फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग शब्द के साथ इसका उपयोग होता है, और सा यानी धैर्य यानी कि यहाँ पे होगा सी यानी कि वह जो है वो लड़की है, या जो स्त्रीलिंग नाम होते हैं यानी फेमिनाइन जो नाम होते हैं, नाम यानी कि नाउन होते हैं, उनके साथ इन दोनों का यूज होता है, इसका दिस के लिए और इसका दैट यानी कि सी। तो हम एग्जांपल देखते हैं, ऐसा बालिका, बालिका यानी कि लड़की, तो ऐसा बालिका यानी कि दिस अ गर्ल, यह लड़की है लगाए तो इज रख सकते हैं बीच में, तो दिस इज अ गर्ल। सा प्रतिमा, तो दैट अ स्टैच्यू, या फिर सी इज अ स्टैच्यू, सी इज अ स्टैच्यू, लेकिन यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो अच्छा रहेगा, दैट इज अ स्टैच्यू, लेकिन सा का मतलब होगा सी, ये स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग दिखा रहा है यहाँ पे, सा जो सर्वनाम है वो। यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है फेमिनाइन वर्ड का, तो ऐसा उत्पीठिका, तो उत्पीठिका, उत्पीठिका यानी टेबल, तो दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल, और इसका होगा सा संचिका, सा संचिका यानी फाइल, सा संचिका, तो ये जो है सा संचिका, तो ये क्या होगा यहाँ पे संचिका है, तो ये ऐसे तो स्त्रीलिंग में, लेकिन जो फाइल है तो उसके लिए इंग्लिश में हम क्या लगाते हैं, दैट इज अ फाइल, या यहाँ पे जो संचिका है इसका अर्थ हम सी संस्कृत में इसका मतलब होगा, लेकिन जब इंग्लिश में हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इसका ट्रांसलेशन होगा इट इज अ फाइल, क्या होगा इट इज अ फाइल। फिर है ऐसा गीता, यानी कि गीता नाम की लड़की है, उसको दिखा रहा है कि ये गीता है, तो ऐसा गीता यानी दिस इज गीता, सा पूजा, तो सी इज पूजा या दैट इज पूजा, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ऐसा जो सर्वनाम प्रोनाउन है उसका उपयोग फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग शब्दों के लिए होता है, उनके साथ होता है सर्वनाम के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, और यह के लिए यानी कि धीस, और सा यानी कि दैट यानी कि सी। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं एतत और तत, एतत यानी कि यह, तत यानी कि वह, तो आप यहां देख सकते हैं एतत वातायनम, एतत वातायनम, तो वातायनम, तो वातायनम मीन्स विंडो, एतत वातायनम, तो ये जो शब्द है सर्वनाम प्रोनाउन, तो एतत और तत जो प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का उपयोग जो है ये दोनों का वो होता है न्यूटर, न्यूटर यानी कि नपुंसकलिंग शब्दों के साथ ये एतत यानी यह और तत यानी वह का उपयोग होता है। एतता जो है उसका मीनिंग होगा दिस, और तत यानी धैट, या फिर ये नपुंसकलिंग है तो इसके लिए इसका जो अर्थ होगा इंग्लिश में वो इट भी हम कर सकते हैं, इट या धैट, तो एतत वातायनम यानी कि दिस इज अ विंडो, दिस इज अ विंडो, तत द्वारम, द्वारम, द्वारम मीन्स डोर, तो That is a door या it is a door, that is a door या it is a door। यहाँ पे सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, तत पुस्तकम, तो ये पुस्तकम देखो म यहाँ पे आधा है, तो अब ये नपुंसकलिंग को आप आसानी से पहचान सकते हो न्यूटर को, तो तत पुस्तकम, तो दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, तत यानी वह, तो तत चित्रम, चित्र मीन्स पिक्चर, तो इट इज अ पिक्चर या दैट इज अ पिक्चर। फिर यहाँ पे एतत बस यानम, एतत बस यानम यानी कि यह बस है, तो क्या होगा एतत यानी दिस इज अ बस, दिस इज अ बस, तत विमानम, तो तत विमानम मीन्स दैट इज एन एरोप्लेन, विमानम मीन्स एरोप्लेन, तो दैट इज एन एरोप्लेन, या तत का आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, इट इज एन एरोप्लेन, इट इज एन एरोप्लेन। ये जो सर्वनाम देखे हमने, एसह, सह, एसा, सा, एतत, त्वम, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर थे, होता
ओके, अब आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पे अहम, अहम यानी आई यानी कि मैं, और त्वम यानी यू। अहम शिक्षक, तो अहम मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं क्या होगा? अहम शिक्षक यानी आई एम अ टीचर। मैं आपको बोलूंगा, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो त्वम यानी यू। त्वम छात्र, छात्र मीन्स स्टूडेंट, तो यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। यानी अहम, अगर हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो हमको, मुझे कहना है, मैं ये मानता हूँ, अहम मैं ये कहना चाहता हूँ, तो अहम से बात होगा, अहम शिक्षक। अगर आप खुद कहोगे, आप खुद अपने के अपने लिए इस शब्द का उपयोग करोगे, तो अहम छात्र, तो आप खुद के लिए कर रहे हो, तो कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो अहम छात्र, तो आई एम अ स्टूडेंट। आप मुझे कहोगे तो आप बोलोगे त्वम शिक्षक, तो यू आर अ टीचर। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हो। फिर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे अहम बालिका, ये जो लड़की है खुद के लिए कर रही है सेंटेंस का उपयोग, तो ये लड़की कह रही है अहम बालिका यानी आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल। और ये लड़की खुद अब दूसरी दूसरे किसी बच्चे की ओर हाथ दिखा के बात कर रही है। त्वम बालक है यानी कि त्वम यानी यू, बालक है यानी कि बॉय, तो यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय, यू आर अ बॉय। फिर अहम युवक, अहम युवक, तो अहम यानी आई एम, युवक है यानी कि यंग मैन, यानी कि आई एम ए यंग मैन, आई एम ए यंग मैन। फिर यहाँ पे त्वम युवती मीन्स त्वम यू आर ए युवती मीन्स यंग लेडी, यू आर ए यंग लेडी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन है वो दिए हुए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोटबुक में लिख के इसको अच्छी तरह से तैयार भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपने चित्रपदानी वन में सिंगुलर प्रोनाउन का अर्थ और उनको समझा, तो अब चित्रपदानी टू जो है उसमें आप थर्ड पर्सन प्लुरल यानी कि बहुवचन प्रोनाउन का उपयोग सीखेंगे। यानी कि बहुवचन में ये सब वे सब, बराबर, तो ये जो बात है वो हम संस्कृत में सीखेंगे। एते यानी कि ये सब हाथी है, ते यानी कि वह सब वे सब, वह का क्या होगा, वे सब हाथी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एते यानी ऑल ऑफ दिस, TH ES E वाला दिस, ऑल ऑफ दिस, और ते यानी दे ऑल, क्या होगा, ते यानी दे और या ऑल ऑफ देम। तो अब हम इन सेंटेंस को समझते हैं और उसका उपयोग भी सीखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एते गजाहा, एते गजाहा यानी कि दीस आर एलिफेंट्स। देखो 1, 2 एंड 3 दो से ज्यादा है यानी कि बहुवचन हो गया, तो दीस आर एलिफेंट्स। ते गजाहा यानी कि बहुवचन है, तो दोस आर एलिफेंट्स, दोस आर एलिफेंट्स। एते सस्काहा, सशक मीन्स रैबिट, और सशकाहा बहुवचन ही आहा प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे, तो आहा यानी कि रैबिट्स। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, एते मीन्स दीज आर रैबिट्स, ते सशकाहा मीन्स दोज आर रैबिट्स, दोज आर रैबिट्स। फिर एते है हंसा, हंस का बहुवचन हुआ हंसाहा, आहा प्रत्यय पीछे लगा हुआ है। एते मीन्स दीज आर हंस, हंस मीन्स स्वान, और हंसाहा यानी स्वान्स, दीज आर स्वान्स। ते हंसाहा, ते हंसा मीन्स दोज आर स्वान्स।
तो यहाँ पे आपने देखा, और एते और ते इनका उपयोग संस्कृत में मस्कुलिन बहुवचन शब्दों के लिए होता है। यहाँ पे बकरियों के जगह पर भेड़ का चित्र दिया हुआ है, लेकिन हम सेंटेंस के आधार पर ही अजा का मतलब बकरी यानी कि गोट करेंगे। ओके, यहाँ देखते हैं एताहा और ताहा। यहाँ पे देखो एताहा ये यानी कि ये सब, तो ये वे सब यानी कि एताहा अजाहा। तो एताहा यानी ये सभी बकरियां है, तो ये सभी बकरियां है यानी कि एताहा का भी मतलब क्या होगा, ऑल ऑफ दिस दिस यानी कि बहुवचन के लिए ही ये सर्वनाम, ये सब के लिए और वे सब के लिए। ताहा ताहा यानी कि ताहा, तो दे ऑल या ऑल ऑफ देम, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए सी के लिए यूज होता है। तो क्या होगा यहाँ पे एताहा ताहा, एताहा मीन्स ऑल ऑफ दिस, ताहा मीन्स दे ऑल अथवा ऑल ऑफ देम। ये दोनों का उपयोग स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनाइन बहुवचन प्लुरल के लिए ही होता है। अब इसका हम देखते हैं एग्जांपल, इताहा अजाहा, इताहा अजाहा यानी दीज आर गुड्स, ताहा अजाहा तो दोज आर गुड्स, इताहा अजाहा मीन्स दीज आर गुड्स, ताहा अजाहा मीन्स दोज आर गुड्स, इताहा बालिकाहा और है ताहा बालिकाहा यानी कि ये सभी लड़कियां है, ताहा महिलाहा तो वे सभी वुमन है यानी कि महिलाएं हैं। तो इताहा बालिकाहा यानी कि दीस आर गर्ल्स, दीस आर गर्ल्स, तो यहाँ पे ताहा महिलाहा, ताहा यानी दोज आर वुमेन, दोज आर वुमेन, यहाँ पे एस लगेगा नहीं, दोज आर वुमेन। एताहा चटकाहा, चटकाहा मीन्स स्पैरो और चटकाहा मीन्स स्पैरोज, तो दीज आर स्पैरोज, ताहा चटकाहा यानी दोज आर स्पैरोज। तो ये जो शब्द है ताहा और एताहा, ये दोनों जो सर्वनाम है, प्रोनाउन है, उनका उपयोग फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए होता है। आगे देखते हैं, तो एतानी, तो एतानी तो ऑल ऑफ दिस, और तानी मतलब दे ऑल, यहाँ पे क्या होगा नपुंसकलिंग यानी कि न्यूटर, संस्कृत में न्यूटर के लिए इनका उपयोग होता है। और यहाँ पे देखो आनी तानी, देखो एतानी, तो यहाँ पे ए आप ढंग देके ऐसे, तो तानी बचा पीछे, तो एतानी और तानी, तो एतानी और तानी, तो एतानी पुस्तकानी, तो ये सभी बुक्स है, पुस्तकें हैं, तो वे सभी पुस्तकें हैं, तो एतानी पुस्तकानी, तो दिस आर बुक्स, दिस आर बुक्स, तो पुस्तकानी, तो पुस्तक कम था तो पुस्तकानी हो गया बहुवचन पुस्तक का, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो ऐसे ही ये, तो एतानी पुस्तकानी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो दीज आर बुक्स, तानी तो तानी मीन्स दोस्त, पुस्तकानी यानी बुक्स, दोस आर बुक्स। तो ये तानी और एतानी जो शब्द है उनका यानी कि जो सर्वनाम है उनका उपयोग आप न्यूटर के लिए यानी कि नपुंसकलिंग के लिए कर सकते हैं। एतानी चित्राणी, एतानी चित्राणी, चित्राणी मीन्स पिक्चर्स, पिक्चर्स, चित्रम मीन्स पिक्चर और चित्राणी आनी प्रत्यय लगा हुआ है पीछे यहाँ पे यानी कि पिक्चर्स, तो एतानी चित्राणी यानी कि दीज आर पिक्चर्स, तानी चित्राणी मीन्स दोस आर पिक्चर्स, एतानी पात्राणी, एतानी पात्राणी, एतानी मीन्स दीज आर पात्राणी, पात्र मीन्स यूटेंसिल और पात्राणी बहुवचन है तो यूटेंसिल्स, एतानी पात्राणी मीन्स दीज आर यूटेंसिल, तानी पात्राणी मीन्स दोस आर यूटेंसिल्स। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे
वयम और युयम, वयम और युयम। वयम मीन्स वी ऑल ऑफ अस और युयम, तो युयम मीन्स यू, ऑल ऑफ यू, ऐसे भी हम लिख सकते हैं बहुवचन के लिए। ये वयम यानी कि फर्स्ट पर्सन बहुवचन है और ये सेकंड पर्सन बहुवचन है, तो फर्स्ट पर्सन प्लुरल और सेकंड पर्सन प्लुरल, यानी कि हम सब तुम सब। वयम शिक्षिका, यानी कि ये तीन जो महिला टीचर है तो वो कहेंगी वयम शिक्षिका, यानी वी ऑल ऑफ अस आर टीचर, या वी आर टीचर, वी आर टीचर। और यूयम सैनिका, तो यू आर सोल्जर्स, यू आर सोल्जर। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑल ऑफ यू सोल्जर या ऑल ऑफ सोल्जर्स। सेकंड एग्जाम्पल है वयम बाल कहा, वयम बाल कहा, वी आर चिल्ड्रन, वयम बाल कहा यानी वी आर चिल्ड्रन। यूयम बाल कहा यानी यू आर चिल्ड्रन, यू आर चिल्ड्रन। ए वयम महिला हा, तो वयम महिला यानी कि जो ये सभी महिला है वो साथ मिलकर अपने लिए शब्द का उपयोग करे, तो वयम महिला, तो वी आर वुमेन, वी आर वुमेन, या ऑल आर वुमेन। फिर होगा यूयम बालिका यानी यू आर गर्ल्स, यू आर गर्ल्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने चित्र पदानी दो में बहुवचन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले प्रोनाउन का उपयोग सीखा। तो आप अब इन प्रोनाउन का उपयोग अलग-अलग चैप्टर में देखोगे और आपको इनको समझना भी है कि इनका उपयोग कहाँ पर कैसे होता है लिंग के आधार पर। ओके, बाय।